एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हम परेशान हैं, मेरा भाई बाहर गया हुआ है और कारोबार की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज कोई वसीफा बता दे। अच्छा, भाई जो है वो उनका बाहर गया हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर उनसे कुछ चीज़ें संभाली नहीं जा रही, तो उस तकलीफ़ का कोई वजीफ़ा बता दें। अच्छा, मैं आपसे भी मुफ्ती साहब कोई वजीफ़ा पूछना चाहूँगी। राना साहब कोई वजीफ़ा बता दें बच्ची का। जी बिल्कुल, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन और इसके साथ साथ जो हमारे पास बहनों की कॉल आ रही हैं, ये बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि जिनका हल कुरान और सुन्नत के ज़रिए से निकालना बहुत आसान है, बल्कि इसका हल मौजूद है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। हम वज़ाइफ तो पूछ लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करते हैं, फिर कहते हैं कि जैसा रिज़ल्ट निकलना चाहिए था वैसा रिज़ल्ट निकला नहीं। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि कोई भी ऐसा काम जिसको हम बार बार करने की कोशिश कर रहे हों और वो काम हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद, अगरचे वो आसान काम है, लेकिन फिर भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा है, हम अपने सारे वसाइल को बरुए कार ला रहे हैं और पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहा, इसके लिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की चार सूरतें, चार में से दो सूरतें सूरह मुअव्वज़तैन, जो आखिरी दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, और दो सूरतें सूरह काफिरून और सूरह इखलास। ये चार सूरतें, पहले नंबर पे सूरह काफिरून, दूसरे नंबर पे सूरह इखलास और फिर तीसरे नंबर पे सूरह फलक और चौथे नंबर पे सूरह नास। इन चार सूरतों को अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के 3-3 मरतबा इन सूरतों का विर्द किया जाए। विर्द करके जो काम पाए तकमील तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस बीमारी से हम नजात हासिल करना चाह रहे हैं, जिस परेशानी से छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं, उसको जहन में रखकर इन सूरतों की तिलावत करें। 3-3 मरतबा इन चारों सूरतों को पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक। ये पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करके अपने मामले को रब के सुपुर्द कर दें। आप देखिएगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े हमें हमारे मतलूबा नतायज अता फरमा देगा।